रिलेशनशिप बिटवीन लिसनिंग एंड लैंग्वेज स्किल्स दैट आर रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स स्पीकिंग स्किल्स ये स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे लिसनिंग uh, uh, का दूसरे लैंग्वेज स्किल्स से क्या ताल्लुक है इस पर हमने डिटेल से बात करनी है लिसनिंग स्किल्स प्ले अ करूशल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल लैंग्वेज डेवलपमेंट याद रखें लैंग्वेज का स्टार्ट ही लिसनिंग से होता है और रिलेशनशिप बिटवीन लिसनिंग एंड अदर लैंग्वेज स्किल्स बहुत गहरा ताल्लुक है इन सब के दरम्यान और रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है तो जब आप लिसनिंग शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद आप स्पीकिंग आपका आगाज़ होता है यानी आपका स्पोकन का आगाज़ होता है ये इंटरविंट है इंटरवोवन है सब आप म्यूचुअली री इनफोर्स है सब एक दूसरे को री इनफोर्स करते हैं यानी एक्टिविटीज़ जो हैं इनकी सुनने और बोलने की और फिर रीडिंग एंड राइटिंग ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं सब हम एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं हम इनको अलग नहीं कर सकते ये एक्टिविटीज एक दूसरे को शोल्डर करती हैं एक दूसरे की मदद करती हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स लिसनिंग फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो लिसनिंग है वो अबलाग की बुनियाद बुनियाद फ्राहम करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी मवसर जो अबलाग है उसकी बुनियाद फ्राहम करती है एंड औरल लैंग्वेज डेवलपमेंट और जो जुबानी लैंग्वेज है यानी औरल स्पीकिंग है उसकी की डिवेलपमेंट करती है एक्टिव लिसनिंग प्रोमोट्स अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड मीनिंगफुल रिस्पॉन्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन तो एक्टिव लिसनिंग जो है ये अंडरस्टैंडिंग को प्रोमोट करती है और कॉम्प्रीहेंशन uh, तफीम को प्रोमोट करती है और मीनिंगफुल uh, रिस्पॉन्स को कम्यूनिकेशन के दरम्यान दौरान यानी ब्लाग के दरम्यान कन्वर्सेशन के दौरान ये आपको बुनियाद फरहम करती है और थ्रू अटेंटिव लिसनिंग इंडिविजुअल्स एक्वायर वोकेबलरी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स तो जब वो लिसनिंग करते हैं बच्चे तो वो वेबलरी सीखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं और पंक्चुएशन सीखते हैं पंक्चुएशन के पैटर्न सीखते हैं एंड कंट्रीब्यूट टू फ्लुएंट एंड एक्यूरेट स्पीकिंग स्किल्स तो वो एक्यूरेट और फ्लुएंट स्पीकिंग uh, स्किल्स सीखते हैं लिसनिंग से ही तो लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स में लिसनिंग एबिलिटीज़ ले ग्राउंड वर्क फॉर द रीडिंग कॉम्प्रीहशन तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन की लिसनिंग बुनियाद रखती है फाउंडेशन फ्राहम करती है फिनोमिक अवेयरनेस यानी आवाज़ों की जो अवेयरनेस है एंड ऑडिटरी प्रोसेस और जो सुनने का प्रोसेस है स्किल्स हैं वो लिसनिंग uh, से शुरू होते हैं और उनको अंडरस्टैंडिंग और रिटर्न जो है वर्क है ये भी इसी से स्टार्ट होता है तो लिसनिंग लिसनिंगसपोज लर्नर्स टू वेरिड इंटोनेशन यानी लिसनिंग से उनको मुख्तफ लहजे और मुख्तफ टोन्स से उनको आगाही होती है रैम्स से यानी रिदम से उनको आगही होती है और लैंग्वेज पैटर्न वो सीखते हैं लिसनिंग एन राइटिंग में लिस्िंग सर्व्स एज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ लैंग्वेज इनपुट फार राइटिंग जो लिसनिंग है वो वैल्यूएबल इनपुट फ्राहम करती है राइटिंग के लिए और एक्टिव लिसनिंग हेल्प्स लर्नर गैदर आइडियाज जो एक्टिव लिसनिंग है उनको आइडियाज़ फ्राहम करती हैं और इंफॉर्मेशन और इंस्पायरेशन फॉर रिटिंग रिटन एक्सप्रेशन रिटन एक्सप्रेशन के लिए उनको इंफॉर्मेशन और इंस्पायरेशन फ्राहम करती हैं और इफ़ेक्टिव लिसनिंग लिसनिंगहैंस लैंग्वेज प्रोफिशेंसी तो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी यानी लैंग्वेज की महारत वो उसको इफेक्टिव लिसनिंग ही बढ़ाती है और इनेबल इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस वेल स्ट्रक्चर्ड एंड कोहेरेंट रिटन टेक्स तो वेल well स्ट्रक्चर्ड अच्छा उसको अच्छे सेंटेंसेस वाला और एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ तरतीब वार मुनज़म जो टेक्स्ट है वो आपको लिसनिंग से ही फ्राहम होता है तो ये थी रिलेशनशिप बिटवीन लिसनिंग एंड लैंग्वेज स्किल्स जो हम लिसनिंग और दूसरे लैंग्वेज स्किल्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है एक्चुअली ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जिसकी तफसील मैंने अभी आपको बयान की है